हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली मॉर्निंग करंट जीके अपडेट्स। करंट जीके अपडेट्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज 14 नवंबर 2018 वार बुधवार। मेरे प्यारे साथियों, यूवी कंपटीशंस चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर विवेक कुमार के नाम से मैं आपका एक एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी पर फॉलो करें और राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का मजा लें। करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज, हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। इंडिया एंड मोरक्को हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। द एग्रीमेंट विल स्ट्रेंथन बायलैटरल कोऑपरेशन एंड एनहेंस इफेक्टिवनेस एंड प्रोवाइड ए ब्रॉड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स। भारत और मोरक्को ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर समझौते पर एक हस्ताक्षर किया है। समझौता द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा और प्रभावशीलता में वृद्धि करेगा और अपराधों की रोकथाम, जांच और अभियोजन पक्ष के लिए व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन सेवरल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग टू नेशनल हाईवेज एंड एन इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल ऑन रिवर गंगा एट वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट इज 2,413 करोड़ रुपीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी पर दो राष्ट्रीय राजमार्गों और एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल सहित कई परियोजनाओं को समर्पित किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 2,413 करोड़ रुपए है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU इन अबू धाबी विद द अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC to explore the possibility of storing ADNOC crude oil at ISPRL's underground oil storage facility at Poddar in Karnataka, which has a 2.5 million ton capacity. Bharatiya Samrik Petroleum Reserve Limited ISPRL ne Abu Dhabi National Oil Company ADNOC ke saath Abu Dhabi mein कर्नाटक के पादुर में 2.5 मिलियन टन क्षमता के ISPRL की भूमिगत तेल भंडारण सुविधा में ADNOC कच्चे तेल को स्टोर करने की संभावना का पता लगाने के लिए समझौता ज्ञापन AMOU पर हस्ताक्षर किए हैं। मिस्टर आर के सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट IC फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल सिंपोसियम टू प्रमोट इनोवेशन एंड रिसर्च इन एनर्जी एफिशिएंसी इंस्पायर 2018 इन न्यू दिल्ली। दिस इज द सेकेंड एडिशन ऑफ इंस्पायर एंड इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL एंड द वर्ल्ड बैंक। ऊर्जा और नई और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री आर के सिंह ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल सिंपोजियम टू प्रमोट इनोवेशन एंड रिसर्च इन एनर्जी एफिशिएंसी इंस्पायर 2018 का उद्घाटन किया।
यह इंस्पायर का दूसरा संस्करण है और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ईएसएल और विश्व बैंक द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इंडियन माउंटेनर सत्यरो रूप सिद्धांता बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट गुलुवा द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन पपुआ न्यू गुएना। भारतीय पर्वतारोही सत्यारोप सिद्धांता पापुआ न्यू गिनी के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट गिलो पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। मोरक्को एंड इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू फर्दर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट इन सिविल एंड कमर्शियल कोर्ट्स। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉज एंड जस्टिस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री रविशंकर प्रसाद एंड हिज मोरक्को काउंटरपार्ट मिस्टर मोहम्मद अजर मिनिस्टर ऑफ जस्टिस वर प्रेजेंट इन ऑन द ओकेजन। मोरक्को और भारत ने नागरिक और वाणिज्यिक न्यायालयों में आगे आपसी कानूनी सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय कानून और न्याय और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और उनके मोरक्कन समकक्ष श्री मोहम्मद ओजर न्याय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित थे। इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचार। द 17th एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी AEC काउंसिल मीटिंग वाज हेल्ड इन सिंगापुर एज पार्ट ऑफ द 33rd एशियन समिट एंड रिलेटेड समिट मीटिंग्स। द ब्लूप्रिंट सिक्स सस्टेन्ड एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ फॉर द एशियन रीजन। 17वें आसियान आर्थिक समुदाय AEC परिषद की बैठक सिंगापुर में, 33वें एशियान शिखर सम्मेलन और संबंधित शिखर सम्मेलन की बैठक के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी। ब्लूप्रिंट आसियान क्षेत्र के लिए निरंतर और दीर्घकालिक विकास की मांग करता है। द इनॉग्रल एडिशन ऑफ इंडियन नेवी इंडोनेशियन नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति बिगन एट सुरबे इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना इंडोनेशियन नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति के उद्घाटन संस्करण को इंडोनेशिया के सुराबाया में शुरू किया गया। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन सुरेश प्रभु लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द 7th RCEP इंटरसेक्शन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन सिंगापुर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने सिंगापुर में 7वीं RCEP अंतर सत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। रेजिग्नेशन इस्तीफा। को फाउंडर बिन्नी बंसल हैज रिजाइंड एज CEO ऑफ फ्लिपकार्ट ग्रुप। दिस वॉज अनाउंस्ड बाई वॉलमार्ट द न्यू ऑनर ऑफ द ई कॉमर्स कंपनी। सह संस्थापक बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट समूह के CEO के रूप में इस्तीफा दे दिया है। ई कॉमर्स कंपनी के नए मालिक वॉलमार्ट ने इसकी घोषणा की है। अवार्ड्स पुरस्कार। द प्रेस्टिजियस मुनिन बारकोटोकी लिटरेसी अवार्ड 2018 इन आसाम हैज बीन गिवन टू यंग राइटर क्रिटिक डॉक्टर देश देव भूषण बोरा फॉर हिज बुक ऑन लिटरेसी क्रिटिसिज्म टाइटल निरको निर्बोचोम। असम में प्रतिष्ठित मुनिन बारकोटोकी साहित्यिक पुरस्कार 2018 युवा लेखक आलोचक डॉक्टर देश भूषण बोरा को निरोब चौन नामक साहित्यिक आलोचना पर अपनी पुस्तक के लिए दिया गया है। स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार। लेविस हैमिल्टन मस्ट इज वॉन द ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स आफ्टर रेड बुल्स मैक्स वर्स टपन लॉस्ट द लैड इन एक कॉलिशन विद बैक मार्कर इस्ट बैन ओकन फोर्स इंडिया। रेड बुल के मैक्स वर्स्टपन के बैक मार्कर एस्टेबान ओकन फोर्स इंडिया के साथ टकराव के बाद लुइस हैमिल्टन
मर्सिडीज ने ब्राजील की ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। द 2080 पुजो चाइना ओपन वाज द 23rd टूर्नामेंट ऑफ द 2080 BW बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर 2018 पुजो चीन ओपन 2018 BW बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर का 23वां टूर्नामेंट था। टूर्नामेंट का आयोजन चीनी बैडमिंटन एसोसिएशन ने किया था। ऑब्ड्यूरीज निधन। अमेरिकन कॉमिक बुक राइटर एंड मार्वल कॉमिक को क्रिएटर स्टेनली पास्ड अवे एज 95 ईयर्स। अमेरिकी कॉमिक बुक लेखक और मार्वल कॉमिक्स सह निर्माता स्टेनली का 95वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें। यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और अनअकैडमी पर फॉलो करें। उनको फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।